हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि रीडर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो मैं कर रही हूँ इवनिंग से स्टार्ट, जहाँ पे हो रहा है दीदी का 400K का सेलिब्रेशन। इसके इंस्टाग्राम पे 400K फॉलोवर्स हो गए हैं, तो वही हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर रहे थे। और साथ में आज मैं बताती हूँ कि हम वापस आए हैं मायके से अभी, और आते ही हमारी दोनों की किचन फिर से अलग अलग हो गई है, क्यों? तो वीडियो आगे देखते रहना, मैं आगे बताती हूँ। और फिलहाल यहाँ पे हम करेंगे अपना सेलिब्रेशन, पहले ये देख लीजिए। तो इसके लिए मंगाए हैं इसने 400K के ही केक, जिसमें 400K ये बना हुआ है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। खराब सब होगा, पूछ रहे किसी से, साफ हो जाएगा तब सही लगेगा। मम्मी बैठी, मम्मी बैठी, तुम बैठो, आप लाभ क्या? मम्मी बैठी। ये थोड़े में कहने में? ना। क्यों? इधर क्यों कहते हैं? तुम्हें हमें नहीं सकते? इनकी तो माया, इनकी तो सब। इनका ये बुरी है, तो तुम्हारे चक्कू कहाँ हैं? तारीख का भाव कौन है? हमने बोले जाओ, नाइट ले जाओ, जाओ। मालूम पड़ा ना इनकी तो मनु की तो बोला है तो। मनु सुंदर होती है। मनु की तो बुरी समझ रहा है। तो यहाँ चल रहा है इनका 400K का सेलिब्रेशन। और मैं बताती हूँ, अब हमारा रात का डिनर बनने लगा है वापस से ऊपर। आपको पहले देखा भी होगा कि पहले हमारा खाना रात का ऊपर ही बनता था, मॉर्निंग का नीचे। बट जब से मुझे कंसीव हुआ था तब से ऊपर जाना मेरा बंद हो गया था। तो यही था, मैं नीचे अकेले कहाँ रहती, तो सब ने खाना नीचे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ही बोला था, अब मैंने कह दिया कि ऊपर बना लो। तो उससे क्या होता है ना, हम सब ऊपर ही चले जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरे लिए। फिर उसके बहाने वॉक वगैरह भी हो जाती है। तो अब वापस से हम अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आए हैं, जहाँ बच्चे और हम सब एक बार ऊपर बैठ के सब खा लेते हैं, एक बार सब नीचे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि रीडर्स ब्लॉग। कहते हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। तो अभी करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे हमारा अच्छी का बिल्ला सो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। और आज है मावस, तो आज बन रही है खीर। यहाँ पे सब्जी बन रही है आलू की, और पूरी के लिए रख दिए हैं, खीर पूरी सब्जी बनेंगी। तो यहाँ आ गया मेरे कुछ पार्सल, खोल के देखती हूँ क्या है इनमें। तो यहाँ आ गया है मेरा चूड़ा, और इसका पेज मैं मेंशन कर दूँगी इंस्टा पे। आज मैं आपके साथ अपना डे रूटीन शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपना प्रेगनेंसी रूटीन शेयर करिए, क्या करते हैं क्या नहीं। देखिए, जैसे कि अभी आपको पता ही है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी बीच में, तो उसकी वजह से मेरा बिल्कुल ही बेड रेस्ट था। बट अब बैक टू नॉर्मल रूटीन जैसे आते हुए अभी,
तो जैसे मेरी तबीयत पहले से तो काफ़ी ठीक भी हुई है, तो धीरे धीरे मैं अपना काम करना स्टार्ट कर रही हूँ कि अपने वापस रूटीन पे आऊँ, अपना अच्छे से काम कर सकूँ। तो नॉर्मल जो भी छोटा मोटा काम यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो कि दिन में मैं अब करने लगी हूँ, जैसे कि चाय बनानी या फिर कुछ छोटा मोटा स्नैक बनाना या फिर अपना ही छोटा मोटा कुछ काम, बस वही सब मैं करती हूँ। बाकी मोस्टली काम तो सब दीदी और मम्मी ही करती हैं, मैं ज़्यादा काम अभी नहीं कर रही हूँ। तो इसमें भी जो मेरा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो मेरे है ये हुआ था लीवर की दिक्कत, उसके वजह से मेरे हाथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहती है, तो आपको मैं जगह जगह पर खुजली करते हुए दिख जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है बॉडी पर इस टाइम पर। अभी तो गर्मी भी हो गई है और कुछ उसकी वजह से अभी जैसे जैसे लीवर का ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो शायद मैं नॉर्मल हो जाऊँ। आप होटल बना रहे हो ना? क्या होटल बना रहे हो? हाँ। होटल होटल खेल रहे हो? यार ये दोनों बॉयज, हाँ ये पैन पबजी का तवा, ये बॉयज मेरी हेल्प करते हुए इन्होंने नीचे से निकाला है। ये खाने में भी हेल्प कर दो, मेरे लिए कुछ बना दो। मैं चाय बना रही थी चाचू के लिए और उनके लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। छोड़ो मुझे सब्जी बना दो। एक रैप में ये हुआ था पबजी जैसी बैन वैसी सब्जी भी वही होगी टेंशन में। अच्छा बैन हुआ है पबजी, जैसे ही पबजी बैन हुआ सब्जी टेंशन में आ गई है, कहीं मैं बैन ना हो जाऊं। तो रात के बाद ये मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था अपना इवनिंग से, सुबह थोड़ा सा बस शूट करा, फिर उसके बाद मैंने अपने दिन में कुछ काम किया होगा, मैं सोई नहाई खाई बस ये सब था। बाकी अभी ये इवनिंग टी बन रही है, मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और किसी दिन मैं आपका सुबह से लेकर रात तक का पूरा रूटीन शेयर करूँगी, जो जो मैं खाती हूँ क्या खा रही हूँ इस टाइम पर। काफ़ी सारी हैबिट्स मैंने चेंज करी हैं, अपना काफ़ी सारा रूटीन चेंज करा है और डाइट मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंज करी है अभी, तो वो सब मैं आपके साथ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी चाय और कुछ स्नैक्स बना रही हूँ इनके लिए। तो यहाँ मैंने अपने बेड में से लास्ट ईयर वाले कपड़े निकाल रही हूँ कॉटन के, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं बिल्कुल कॉटन वाले कपड़े ढूंढ रही हूँ कुछ मुझे फ़िट आ जाएँ। तो मैंने ढूंढ के देखे, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अपने कपड़ों को बताइए आप कैसे रखते हैं, विंटर्स के जैसे रखते हैं, सी मैं अपने समर के कपड़े भी रख देती हूँ और शायद मैंने दिखाया भी होगा जब मैंने ये कपड़े उठा के रखे थे, बैग में अच्छे से पैक कर देते हैं और जो मेरे पार्टी वेयर सूट वगैरह हैं जो कि हैवी होते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ ऐसे, तो उनको मैं अच्छे से एयर टाइट पॉलीथीन वगैरह उसमें पैक कर देती हूँ या फिर जो पैकिंग पॉलीथीन होती हैं उनमें पैक करके रख देते हैं। तो एक साइड मुझे कुछ नहीं मिला, वो सारे मैंने निकाल दिए, अब दूसरी साइड ढूँढ रही हूँ कि कुछ कपड़े मिल जाएँ। यहाँ पर मैं उन्हें ढूँढ के देख रही हूँ कुछ फ़िट होंगे या नहीं, बट ये सब फ़िटिंग के थे, अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोनों नंद भाभी कपड़े ट्राई कर रहे हैं और हंस रहे हैं क्योंकि ये जब मैंने बनवाए थे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मतलब प्रेगनेंसी होगी या कुछ, तब फिटिंग के बनवा लिए थे और अब ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे हैं। बस ये सूट था जो बिल्कुल लास्ट में मैंने बनवाया था नवरात्रों में, लास्ट नवरात्रों में ही शायद ये बना था, तो ये वाला मुझे बाई चांस आ गया, ये पहन के मैंने ट्राई करा तो ये फिट आ रहा था, तो मैं बड़ी खुशी में गया चलो एक तो आया और वो भी सूट के ऊपर थोड़ा टाइट था, मुझे लगा कि शायद ऐसा ठीक आ जाएगा तो इसको भी एक जितने दिन पहना जाएगा उतने दिन तो मैं यूज़ कर ही लूँ। और जब हम थोड़े मोटे हो जाते हैं या कुछ भी अपने पुराने कपड़ों को देख के कैसे लगता है कि ये पहले कपड़े मुझे फिट आ रहे थे और अभी कहीं भी नहीं आ रहे हैं। मेरी अलमारी होती जा रही है दिन पर दिन खाली खाली और खाली, कपड़े निकालती हूँ फिट नहीं आए वापस में दे देती हूँ अपनी उर्मिला को। तो ये सारे कपड़े अब मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अब ये मुझे कहीं भी फिट नहीं होने वाले तो इन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। तो अब लास्ट ईयर का सिर्फ एक सूट आया है, दूसरा भी मैंने इसके ऊपर ट्राई करा, थोड़ा सा टाइट था मुझे लग रहा है शायद आ जाएगा, सिर्फ दो सूट आए हैं, बाकी मैंने एक गठिया बांध के दे दिए, मैं दे दूंगी। और यहाँ चल रही है नवरात्रों की तैयारी, मंदिर की साफ सफाई।
तो ये जब आपको पता है घर में कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है या कुछ साफ सफाई होती है, बच्चों को सबसे पहले इन्हें टांग अड़ानी होती है। खाना मीकी आ गए हैं। आज क्या मंदिर सफाई कर रहा है? फिर हाँ मंदिर सफाई कर, कल नवरात्रे हैं, माता रानी का दिन है। क्या करना है? बुआ की हेल्प कर। क्या करना है? पता क्या कह रही बुआ? आ मार ली, मार ली। ये बीच में डाक रखा है ना बुआ। पता क्या कह रही? सुनता क्या कह रही है? कह रही है तू कुछ मत कर, यही मेरी हेल्प है। ये लड़का क्या हेल्प करेगा? देखो तो एक मंदिर की सफाई बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने ही कर ली। कानो मिकी ने अपने हिसाब से, मम्मी ने और पिंकी बुआ ने अपने हिसाब से कर ली। फिर लास्ट में मैंने और प्रिया ने उसमें पेपर वगैरह लगा के अच्छे से उनको सबको सेट कर दिया। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने थोड़ा सा फेस क्लीन, और अब मैं सोच रही हूँ गर्मी गर्मी कुछ दिन अपने बालों में अच्छे से हेयर ऑयल की मसाज करके बालों को अच्छे से टाई करके मीन्स चोटी वगैरह बना के ही रखूँ कुछ दिन। सिर्फ हेयर वॉश करूँ और फिर रखूँ, क्योंकि मेरे बाल बीच में जब बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था। अब मैंने सोचा है कि इसमें कोई भी ऑयलिंग वगैरह तो जो भी अच्छे अच्छे ऑयल हैं वो लगा के इसको रखूँ। और मैं इस तरह से अपने बालों में मसाज करती हूँ नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ही कई बार कॉम्बिंग भी करती हूँ। उससे क्या है ना, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है और इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी कॉम करें बालों को हमेशा नीचे की तरफ करें, क्योंकि पूरा दिन हमारे बाल पीछे की तरफ लटके रहते हैं रात में या दिन में जब भी आप बालों को कॉम करें। तो एक बार अच्छे से कंघी नीचे की तरफ भी घुमाएं उल्टा करके, तो उससे बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। अभी मेरी हालत ऐसी है, किसी किसी दिन मॉर्निंग में अच्छा रहता है तो मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने आप को मतलब लाइट सा मेकअप वगैरह कर लूँ, और किसी दिन पूरा दिन ऐसे जाता है मैं सिर्फ लेटी रहती हूँ सोती रहती हूँ, शाम को अच्छा लगता है तो तब कर लेती हूँ, या किसी दिन पूरा दिन भी अच्छा नहीं लगता है, किसी दिन पूरे दिन ही मैं थोड़ी अच्छी रहती हूँ। तो अभी तो पता ही नहीं रहता मेरी हालत है कैसी, कुछ गर्मियाँ भी आ गई हैं कुछ अपनी हालत। कल है नवरात्र, आ गए हैं थोड़े से फ्रूट्स और ये आए हैं टाना की स्पेशल डिमांड पर मैंगो और वाटरमेलन, मतलब उसे इतने पसंद है, इनके लिए तो इतना क्रेजी है, उसे दो ही फ्रूट पसंद है मतलब खा लेता है। कुछ कुछ फ्रूट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंगो स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन लीची इस टाइप के, और उनको वो टाइम से पहले डिमांड करने लगता है। इसका मैंगो शेक बनाऊंगी इसके लिए शाम को। क्या हो रहा है मेरा वाटर बॉयल, पानी गर्म करके ठंडा करके पियेंगे इसको, और अभी करती हूँ मैं शाम की पूजा। अभी हमारा मंदिर हो गया है एकदम क्लीन, नवरात्रों के लिए रेडी। इसकी ये शीट हम चेंज कर देते हैं, महीने में या दो बार तो क्लीन होता ही है, बट नवरात्रों के टाइम पे इस पर थोड़ी सी साफ सफाई और ज़्यादा हो जाती है।
हाँ मैं मंगाती हूँ स्पंज रसगुल्ले और ये मंगा लिए थे, बट ये वाला हो गया है रखे रखे खट्टा, इसकी मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही तो नार इसके लिए तो इसको फेंक देती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर और बन रहा है यहाँ पे डिनर। आज बनी है क्या बनी है सब्जी? आमी पेठा, आमी पेठे की सब्जी बनी है, छकी हुई मिर्च और इसका शुरू हो गई यही दाल घिया पेठा तो रही अभी थोड़ी देर बाद खाएगा क्या? इनकी तरह के बालक तीन तीन रोटी खूब खा। आजा बेटी, क्या कर रही है भैया? कान्हा की मैया क्या कर रहे हो? तू सेब वैसे ले रहा है पापा के दादू के लिए? ऐसे ले रहे हैं। बताओ क्या लाए? मिल लिया देख ले। ये क्या क्या लिया है? रसगुल्ले और वो ना लाए तुम स्वीट वन? तेरे बोली लाए तो बोली आते। फाइनली वो टाइम आ गया जब आज विराट खाएगा पूरे कितने टाइम बाद मैंगो, और ये लड़का भी खाएगा वाटरमेलन। ये खाया है इस सीजन का फर्स्ट, तो इससे बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है और ये सोच रहा है बस ये कब ये मैंगो कट जाए और कब काना इसको गप जैसे खा जाए। और ये लड़का भी है ना मीका लाल। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इनके लिए फाइनली मैंगो कट करके दे इनको। मैंगो इतनी बड़ी चीज़ होगी आज तो इनके लिए। मैं कुछ नहीं लग रही हूँ। खा लो। खाने के लिए तो आए हैं और किस लिए आए हैं? और किस लिए? खाओ। कैसा लगा? खट्टा? खट्टा था। खट्टा है क्या? मीठा है? खट्टा है अभी तो। आपने सीजन से पहले मंगा लिया ना इसलिए खट्टे हैं। तो भरो इन्हें टॉयज को। क्यों फैलाए थे आपने इतने सारे टॉयज यहाँ पे? इतने सारे एनिमल्स हैं बताओ। ठीक है इसको जल्दी जल्दी भर लो। फोन रख दिए ना हमने, इनके फोन छीन के रख दिए तो अब इन्हें पुराने टॉयज की याद आई है। अब वो निकाल निकाल के फैलाए हैं। Mm.
मुझे रात में सिर्फ ऐसा वाइट प्लेन मीठा दूध पीना पसंद है, बट अब ये पीना पड़ रहा है प्रोटीन वाला। इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ज़रूरी है, क्या करें। और ये दोनों पियेंगे प्लेन वाइट दूध। चलो आ जाओ। और मैं यहाँ पे जो ये सामान लाए थे उसको करके रख देती हूँ खाली। सीड्स वगैरह मुझे डॉक्टर ने बताए थे, सोयाबीन बताए हैं, एग बताए हैं, पनीर बताई है, और पनीर से भी बेटर उन्होंने बताया था टोफू खाओ, बट मैंने खाया हुआ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पनीर तो फिर भी ठीक होता है बट वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। तो यही है बस, अभी छोटे मोटे काम से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी है। अब धीरे धीरे मैं अपनी कुकिंग वगैरह पे भी आऊँगी और अच्छा अच्छा से हेल्थ मेरी रहेगी, तो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ मेरा बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।